नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 अप्रैल 2021 की आपकी राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो है दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि ऊपर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए बाकी चले होंगे। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, ये दिन रविवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी और इस दिन रेवती नाम का नक्षत्र रहेगा। या दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो इंद्र नाम का योग दोपहर के 1:53 रहेगा। उसके उपरांत इस दिन वैधृति नामक शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। वही दोस्तों, राहुकाल के समय की बात करें तो यह समय रहेगा शाम के 5:08 से लेकर शाम के 6:42 तक। दोस्तों ध्यान रहिए, राहुकाल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें और चंद्रमा इंद्र मीन राशि पर संचार करेंगे। जब नसीब चलता है तो लोगों को लगता है कि उनका दिमाग चल रहा है। वादा भी करो और इरादा भी करो, ख्वाहिशें में खुद को आधा ना करो। दोस्तों, बदल देते हैं लोग कर्म से ही दुनिया, तकदीर पर भरोसा कुछ ज्यादा ना करो। पक्के इरादे तकदीर बदल देते हैं, किस्मत मोहताज नहीं हाथों की लकीरें की। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फर्क तो सिर्फ रंगों का होता है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। दोस्तों, इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है, डूबता है तो पानी को दोष देता है और गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, कुछ कर नहीं पाता तो नसीब को दोष देता है। दोस्तों, हाथों की लकीरों पर गुमान मत करना, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा कर करते हैं सामना, किस्मत उनकी गुलाम हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में राजकीय कार्य किसी की मदद से पूरा होने की आशा है, इसलिए दोस्तों आपको यश में प्रयास करना चाहिए। परिवार में किसी नए मेहमान की किलकारी संबंधी कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। जिंदगी को सकारात्मक और खुशनुमा बनाए रखने के लिए आपका प्रयास काफी हद तक यश में सफल रहेगा। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, ये मुलाकात आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में कभी कभी आप सामाजिक तौर पर अपनी उत्तम पहचान बनाने के चक्कर में कुछ गलत निर्णय भी ले लेंगे, जिसकी वजह से आपकी इमेज भी बिगड़ सकती है। तो दोस्तों, यश में इन बातों पर ध्यान दें। विद्यार्थी तथा युवाओं को अपनी पढ़ाई व फिर करियर के लिए अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत होगी। दोस्तों, यश में सभी चीज़ों को लेकर आप सावधान रहें। इसको उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि धीरे धीरे परिस्थिति पर पूरी तरह से आप नियंत्रण कर पा रहे हैं। जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में खुद को मानसिक रूप से स्थिर रखना आपके लिए बेहतर होगा। खुद की मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती रखने के लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार में सुख समृद्धि तथा उचित व्यवस्था संबंधी योजना को बनाने के लिए जो दिन होंगे बहुत ही उत्तम दिन होगा। ईश्वर के आशीर्वाद से आप उचित उपलब्धियों को आप भी हासिल करेंगे। भावनात्मक रूप से आप इनमें सक्षम और समर्थ भी रहेंगे। आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय जो है बहुत ही अनुकूल समय होगा। आप यश में अपने पढ़ाई पर ध्यान को रखें, आगे चलकर आपका सफलता इंतजार कर रहा है। इसके साथ दोस्तों, आपको बता दें कि अपरिचित लोगों से आपको सावधान रहना होगा। आपका कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, आपके बोलचाल के लहजे से किसी का मन दुखी भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों अपनी वाणी परेश में संयम रखें। अपने जो आदर्शों और फिर वसूलों से किसी भी प्रकार का समझौता ना करें, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यश में आपके खुद के प्रति रखी अपेक्षाओं को पूरा कर पाना आपके लिए यश में संभव होगा। फिर भी जरूरत से अधिक खुद पर दबाव ना बनाएं,
कौन सी बातें आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं, इस बात पर आपको यश में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में विदेश जाने के इच्छुक लोगों की रुकावटें यश में दूर हो सकती है, इसलिए दोस्तों उचित प्रयास करें। आपको बता दें कि किसी खास व्यक्ति से मेलजोल आपका बढ़ेगा तथा जीवन में ठहराव भी आएगा। दोस्तों परिवार के साथ धार्मिक यात्रा के प्रोग्राम भी यश में बन सकते हैं। आप जिस अटके हुए कार्य के लिए परेशान हो रहे थे दोस्तों, वह कार्य भी बिना रुकावट से पूरा हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि पैतृक गतिविधियों को लेकर भाइयों के साथ अनबन भी हो सकती है। मन में तरह तरह की शंकाएं आएंगी। तमाम समस्याओं से उभरने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। गलत लोग आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, तो दोस्तों इन लोगों से दूरी बनाकर रखें। जो लग रहा है कि आपके लिए नुकसानदायक है, उन लोगों से इसमें दूरी बनाकर रखें। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपके अंदर आ रहे बदलाव पर ध्यान देने की आप कोशिश करें। आपको योग्य व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन दोस्तों किस बात पर ध्यान देना है और किस बात पर नहीं, यह आपको इसमें तय करना होगा। इसलिए सही लोगों की संगत में रहने की आप कोशिश करें, यह आपके भविष्य के लिए बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें आपका समय बहुत ही अनुकूल समय होगा। शांतिपूर्ण तरीके से काम संपन्न होते जाएंगे। संतान पक्ष की तरफ से चल रही किसी चिंता से आपको निजात मिलेगी। जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा वे सब लोग आपकी योग्यता के कायल हो जाएंगे। यह समय आप रचनात्मक और उत्साह से भरपूर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ बदलेंगी। इनमें कुछ समस्याओं को लेकर आपको मायूसी मिल सकती है तथा दोस्तों आप अपने लक्ष्यों से आप यश में भटक सकते हैं। तो दोस्तों इन बातों पर यश में ध्यान रखें, जो है गलत संगतों से आप दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक समय होगा। इसलिए दोस्तों यश में लापरवाही ना बरते हुए इन बातों पर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काम से संबंधित बातों पर अधिक ध्यान देने की भी आवश्यकता होगी। जो लोग आपके नीचे काम करते हैं ऐसे लोगों द्वारा किसी बात में आपको फंसाया भी जा सकता है। परिवार के लोगों द्वारा मानसिक समाधान भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में मित्रों के साथ दूरियाँ बढ़ने की वजह से थोड़ी सी चिंता भी आपकी बढ़ सकती है। तो दोस्तों जो भी अच्छे मित्र हैं उनसे यश में दोस्ती बढ़ाने की प्रयास करें। इसको बना दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय तथा कारोबार में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय सार्थक रहेंगे। परिवार से भी सहयोग मिलने अथवा आपका आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों पारिवारिक बदलाव की संभावनाएं प्रबल होंगी। नौकरी में पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि की संभावना यश में बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में व्यवसाय में कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी, परंतु आप अपनी मेहनत द्वारा सफलता भी हासिल करने में यश में सक्षम रहेंगे। सिर्फ अपने अंदर ही किसी प्रकार की भ्रम ना उपजने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। टैक्स से जुड़े मामले आपको परेशान कर सकते हैं। यश में शेयर मार्केट सट्टा आती है, जिसे कार्यों में रुचि लेना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों ये आपके करियर के लिए बेहतर साबित होंगे, तो इन सभी बातों पर आपको गौर करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में भविष्य संबंधी कुछ योजनाएँ क्रियान्वित होंगी। अभी किया गया परिश्रम आगे चलकर आपके लिए लाभ देगा। तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होंगी तथा आपकी पद प्रतिष्ठा में भी यश में बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों ऑफिस में किसी सहयोगियों के साथ काम लेकर मतभेद हो सकता है, तो दोस्तों यश में इनसे सावधान रहें, इनसे जो है झगड़ा करने से बचें। इसके साथ दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में मशीनरी से संबंधित व्यवसाय में सावधानी पूर्वक ही कोई निर्णय लें, किंतु भविष्य की योजनाओं को लेकर की गई भागदौड़ी लाभकारी साबित होगी। व्यवसाय में नए योजनाओं पर अमल करने का उचित समय होगा। दोस्तों वहीं नौकरी के काम में अतिरिक्त दबाव भी आपके ऊपर बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में परिवार में प्रेम तथा समर्पण की भावना रहेगी। संतान आपकी आज्ञा में रहेगा तथा प्रेम संबंध मर्यादित तथा एक दूसरे के प्रति भावना प्रधान बने रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के प्रति आपका सहयोग घर के माहौल को खुशनुमा बनाकर रखेगा। मेहमान नवाजी में सुखद समय व्यतीत होगा। पुराने मित्रों से मुलाकात पुरानी यादों को भी ताजे करेंगी। इसके साथ दोस्तों यश में आपके जीवन साथी के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा तथा पति पत्नी के बीच यश में भावनात्मक संबंध भी उचित बने रहेंगे। प्यार रोमांस आदि में मन आपका जो है रोमांचिक रहेगा।
इसके साथ दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों इसमें पति पत्नी के बीच किसी भी बात को लेकर मतभेद की आशंका भी बन रही है। दोस्तों यश में बच्चों की उचित मार्गदर्शन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें, ये आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों किसी किसी समय मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस करेंगे। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहना आपके लिए बेहतर होगा तथा प्रकृति के सानिध्य में रहने से भी आपको मानसिक सुकून प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें ज़्यादा परिश्रम तथा तनाव लेने की वजह से नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। दोस्तों समय समय पर भी आराम करें, योगा व्यायाम पर भी ध्यान दें। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अंत में ठीक रहेगा, आपका आत्मविश्वास और आपका आत्मबल भी उत्तम बना रहेगा, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 2।